मेरा नाम आकाश तिवारी है और हमारा संगठन है वैदिक सुरक्षा समिति, जो कि एक एनजीओ है और जो कि सारे समाज के सारे कार्य करता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज इसमें हिंदुत्व समर्थन सेना, हिंदुत्व समर्थन सेना हमने वैदिक सुरक्षा समिति का ही एक संगठन है, जो कि हमारे धार्मिक हिंदुत्व को बचाने के लिए, हमारे हिंदुओं की सेफ्टी के लिए और जितने भी सारे हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे लोगों के खिलाफ जो सारी चीज़ें, आपको भी पता होगा कि पर्यटन किस तरीके से चल रहे हैं, हमारे समाज में चीज़ें चल रही हैं, उन सब से रक्षा करने के लिए हमने संगठन बनाया है जो कि लोगों को एकजुट करता है और अपने धर्म के लिए लोगों को जोड़ता है। तो क्या करने आए यहाँ पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जैसे कि आपने देखा होगा कश्मीर फाइल्स, लोग तो कह रहे हैं कि ये एक मूवी है, लेकिन ये एक मूवी नहीं है, सत्यता है, सत्यता दिखाई गई है। और जिस तरीके से नरसंहार किया गया था कश्मीरी पंडितों का और उनको भगाया गया था, हमारे देश में तो कहते हैं कि ये एक संवैधानिक है, लेकिन संविधान तब कहाँ था, कहाँ संविधान तब चला गया था, कहीं संविधान ही था, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हमारे कश्मीरी पंडित, हमारे जो भाई थे, 400,000 के समथिंग वहाँ से उन्हें हटाया गया था और मारे जाने कितने थे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि केवल 399 जितने लोग थे वही केवल मारे गए थे और 15,000 के समथिंग जो मुस्लिम लोग थे वह उनको कत्लेआम हुआ। लेकिन यह सत्य नहीं है, ये आपको भी पता होगा। अभी एक इंटरव्यू जारी हुआ जिसमें कश्मीरी पंडित एक महिला थी, वो बोल रहे हैं कि मेरे कुटुंब से ही 100 लोग गए, 100 लोगों का नरसंहार कर दिया गया। तो ये जो बात है, ये बात बिल्कुल समझने वाली है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही हिंदुत्व को और हिंदू लोगों को दबाने का कार्य किया है। लेकिन हम लोग क्या है कि हम हिंदुओं को बचाना चाहते हैं, हमारा जो संगठन है लोगों को सशक्त करना चाहता है, किसी से इस तरीके का कोई बैर नहीं है। प्रदर्शन का उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना। हम यहाँ पर कश्मीर फाइल्स जो है, आज अभी कल ही की बात है, एक मेरे पास एक न्यूज़ आई कि जिसमें कश्मीरी इस मूवी को लेकर क्या है कि कुछ जिहादी, कुछ इस तरीके के जो तत्व थे, अराजक तत्व थे, वह एक लिंक जारी कर रहे हैं और उस लिंक के थ्रू क्या हो रहा है कि उसमें लोग देख रहे हैं अपने फ़ोन में मूवी को, जबकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो टॉकीज में देखने का है, अपने थिएटर में देखने के लिए जाने का है, उनको सशक्त करने के लिए। इसलिए हम अपने संगठन से, लोगों से, झांसी वासियों से सबसे ये इस तरीके से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया अपने फ़ोन में कश्मीर फाइल्स को ना देखें और आप थिएटर में जाकर देखें, अपने सभी लोगों के साथ में जाएँ, सभी लोग अपने परिवार के साथ में जाएँ, अपने दोस्तों को लेकर जाएँ, तो इस तरीके से और उसका प्रचार प्रसार करें। और ये सत्यता है, ये पुराना, ये गुजरा हुआ कल है, 32 साल पुराना, अगर आप अभी नहीं संभले तो ये आपका भविष्य भी हो सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और अपनी बात खत्म करूँगा। और हमारे साथ में हमने श्री राम सेना के साथ मिलकर ये कार्य किया है, बाकी श्री राम सेना के संगठन अध्यक्ष हैं वो आपको बताएंगे। मेरा नाम अजय गिरिया, मैं श्री राम सेना संगठन का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं द कश्मीर फाइल्स को लेकर कर रहे हैं, ये जो मूवी में दिखा गया है वो मूवी नहीं है, वो काला सच है जो कश्मीरी पंडितों के साथ में घटना घटी हुई है, ये वो काला सच है जो लोगों के साथ में हो रहा है। ये आने वाले भविष्य को दिखाता है कि हमारे साथ में ऐसा भी हो सकता है।